नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं आज की खबर। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सबको चौंका दिया है। हरियाणा चुनाव के नतीजों से किंग मेकर की भूमिका में उभरे जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने कल दिल्ली में पार्टी की बैठक बुलाई है। हरियाणा में बीजेपी या कांग्रेस में से वो किसे समर्थन देंगे, इस पर पार्टी कल फैसला करेगी। फिलहाल हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर के लिए हालात चुनौतीपूर्ण है। बीजेपी की संख्या बहुमत से पहले ही अटक गई है, जबकि कांग्रेस भी सरकार बनाने की कवायद में जुटी हुई है। हरियाणा कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा ने नतीजों के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी के खिलाफ बाकी दलों से समर्थन मांगा। हुड्डा ने कहा कि बीजेपी सरकार के खिलाफ मत मिला है, सभी दल मिलकर सरकार बनाएंगे और अच्छी सरकार चलेगी। उन्होंने कहा कि जेजेपी, निर्दलीय विधायक और इंडियन नेशनल लोकदल मिलकर सरकार बनाए। इस बीच हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला ने इस्तीफा दे दिया है। बराला खुद टोहाना सीट से चुनाव हार गए हैं। बताया जा रहा है कि अमित शाह ने सुभाष बराला को पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए जमकर फटकार लगाई है। तो ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर।